दोस्तों, क्या आप लोग एक मोबाइल के डाटा को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहती हैं? जैसे आपको ओल्ड मोबाइल है, आप न्यू मोबाइल लिए हैं, आप लोग डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप लोग देख रहे हैं यह कैसे चैनल को। दोस्तों, से आपका पहले से पुराना फ़ोन है, आप न्यू मोबाइल लिए हैं, पुराने मोबाइल के डाटा को आप लोग दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, दोस्तों जो भी है सभी कुछ आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसके ज़रिए आप लोग एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, से आप लोग अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, फिर ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे देखें, मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसा पेज ओपन हुआ। तो दोस्तों, आपको दोनों मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, फिर ऐसे करना है, फिर गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है और फिर यहाँ पे अलाउ करना है, सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना, फिर यहाँ ओके वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों, फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों, इसी तरह आपको अपने इस मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, फिर जैसे हमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें यह करना होगा। दोस्तों, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ ऑल यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर कमेंट वाले पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा, डाटा ट्रांसफ़र आपको इतना कमेंट कर देना है। दोस्तों, फिर जैसे हमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ सेंड यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल से क्या क्या सेंड कर सकते हैं, यहाँ वीडियो, फोटोज, एप्लीकेशन, म्यूजिक और फाइल, कॉन्टेक्ट, कैलेंडर, दोस्तों जो भी आप लोग शेयर करना चाहें सभी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग सभी को टिक करना चाहें तो इसी तरह आप लोग सभी पे एक साथ टिक कर सकते हैं। दोस्तों, से आप लोग सभी पे टिक नहीं करना चाहते हैं, कुछ फ़ोटो या कुछ वीडियो या कुछ एप्लीकेशन को सेंड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जैसे फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, जैसे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी फ़ोटो शो करेंगी। तो दोस्तों, आप लोग जिस भी फ़ोटो को सेंड करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे देखे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे नीचे डन का ऑप्शन शो करा, आपके यहाँ डन वाले पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस तरह आप लोग सभी कर सकते हैं, या जो भी आपको सेंड करना है वहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसी तरह सभी पे ऐसा ही कर सकते हैं, फिर यहाँ सेंड हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सेंड कर दिया हूँ, फिर यहाँ पे हमें रिसीव वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ रिसीव पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, तो दोस्तों हमें वेट करना है। और यहाँ पे देखें ये ऐसा हाईलाइट होने लगा है, तो दोस्तों इसी तरह इसमें भी होगा, तो हमें वेट करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों, यहाँ देखें इसमें से और इस मोबाइल में ये फोटो ट्रांसफर हो गए। अब आपको दिखाता हूँ, फिर यहाँ डन वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों, मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखें डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए, नहीं यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है, आप लोग तुरंत कनेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे में यहाँ पे शो कर रहा कि नहीं कर रहा, तो यहाँ डन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं सेंड किया हूँ तो यहाँ पे देखे शो कर रहा कौन सी फोटो सेंड की गई है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्यू ऑल पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखे शो कर रहा। और आपको दिखाता हूँ मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से बैक आना है। दोस्तों, फिर हमें अपने मोबाइल की गैलरी पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखे जो फोटो सेंड किया हूँ वहाँ से यहाँ पे देखे ये फोटो शो करी है। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वीडियो, फोटो, एप्लीकेशन, म्यूजिक, फाइल, कॉन्टेक्ट, कैलेंडर, जो भी सेंड करना चाहें एक क्लिक में आप लोग सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।